हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सारे अच्छे होंगे और मेरे नेल देखें कितने अच्छे लग रहे हैं और मेरी मेहंदी। तो हेलो, आज मेरा मेकअप ये करेंगे और ये ब्राइडल लुक करने वाले हैं आज मेरे ऊपर। और मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही है तो फिर देख ही सकते हो आप। मेरा आउटफिट है, अपर आउटफिट, अब मैं इसको चेंज करूँगी। बिफोर वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं और अब मेरा मेकअप स्टार्ट होगा। टीम हो चुका है और मेरा फेस आप देख ही सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, हाइड्रेटेड लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। यार ये टेप लगा के मेकअप कर रहे हैं कि जो शार्पनेस दिखती है ना, जो विंग लाइनर जो भी ये ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल शार्प दिखेगी, इसलिए टेप लगा के और ये आई मेकअप करेंगे। आई शेडो लग चुका है और अब मेकअप मेरा स्टार्ट हो गया है, तो आप देखो अब मेरा लास्ट कैसा होगा। इन्होंने वो टेप के साइड से कलर फिल करना शुरू कर दिया है कि जिससे वो डार्क कलर दिखे और बीइंग सा ऐसा लगे। शायद ये अरेबिक आइज़ कर रहे हैं, ये मेरे को यही बता रहे थे, अरेबिक आइज़ कर रहे हैं, तो अरेबिक आइज़ में शार्पनेस चाहिए होती है। तो अब इन्होंने स्टार्ट कर दिया है आउटर डार्क करना। विंग लाइनर की बारी आ चुकी है और आप देख ही सकते हो इन्होंने कितना शार्प विंग बनाया हुआ है। जो ये टेप लगाया इन्होंने उसके बिना भी मतलब करते तो बहुत अच्छा बनाते। मेरे फेस पे प्राइमर लगा के इन्होंने स्टार्ट कर दिया है मेरा फेस करना। अब ये पूरे फेस पे प्राइमर अच्छे से लगा देंगे, जो मेरे ओपन पोर्शेस होंगे वो सारे कवर हो जाएंगे इससे। यार ये करेक्टर पिंकी पिंकी सा, मुझे इसको देख के थोड़ा सा अजीब लगता है, जब फिर उससे मेकअप होता है ये पता ही नहीं चलता ये कहाँ चला गया। अभी मेरे अपर लिप एरिया, अंडर आइज़ पे सारी जगह लगाएंगे, जहाँ पे डार्क डार्क है, पिगमेंटेशन की ज़रूरत है, वहाँ सारी जगह लगाएंगे ये। मेरे फेस पे बेस लगना शुरू हो चुका है और आप देख ही सकते हो जल्दी जल्दी मेकअप कर रहे हैं ये मेरा। ब्लेंडर से अच्छे से पूरे फेस पे करेंगे, इन्होंने ज़्यादा फाउंडेशन लगाया ही नहीं। ज़्यादा फाउंडेशन ना बहुत ज़्यादा केकी हो जाता है। ये ब्लशर वाला पार्ट मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना, ब्लशर फेस पे लगते ही ना कुछ अलग ही मुझे बहुत पसंद है यार। और इन्होंने अब एयर ब्रश चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि आज मेरा एयर ब्रश मेकअप था तो फिर इन्होंने सोचा था ब्राइडल में इन्हें एयर ब्रश ही करना है, तो फिर इन्होंने एयर ब्रश करना शुरू कर दिया, जो कि एंड रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत अच्छा लगा, एयर ब्रश का तो अच्छा होता है, बहुत अच्छा मेकअप होता है। इन्होंने कंसीलर लगा के इन्होंने अब शुरू कर दिया है मेरा, और अब इसको ये अच्छे से ब्लेंड करेंगे और जो भी ये आपको दिख रहा है वो पूरे अच्छे से मर्ज हो जाएगा। ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगी ये इसको। ब्लेंड करना शुरू कर दिया, आप देखते ही देखते आप बता भी नहीं पाओगे कि वो जो लगाया था इन्होंने वो कहाँ गया, क्योंकि मुझे खुद को ही नहीं पता चल पाया था। फेस लॉक कर रहे हैं ये अब, और आप देख ही सकते हो वो सब कुछ है वो गायब हो गया है, और जो इन्होंने मेरा करेक्टर लगाया था वो भी गायब हो चुका है। मैं थोड़ी सी इचिंग हो रही थी, फिर मैंने हल्का सा अपने नेल से ही कर दिया,
मैंने उस ब्लशर के बाद भी ये दोबारा से ब्लशर लग रहा है। अब और आप देखना कि ये लॉन्ग स्टे रहेगा और मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनका। और इन्होंने अंडर आई पे थोड़ा सा पाउडर रख दिया कि आई मेकअप करने में प्रॉब्लम ना हो। उन्होंने ग्रीन लाइनर लगाया जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आई मेकअप आप देख ही सकते हो कितना ऑसम लग रहा है। अभी लैशेस भी नहीं लगी और कितना अच्छा लग रहा है। और लुक देखो, अभी हेयर भी नहीं हुए और फिर आप मेरे हेयर, मतलब बिना हेयर के भी इतना अच्छा मेकअप लग रहा है। मुझे सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा। ब्राइडल मेकअप इन्होंने करा है और आप देख ही सकते हो मेरा लुक और मेरा चूड़ा। ये देखो मेरा चूड़ा कितना प्यारा लग रहा है। हेयर स्टार्ट हो चुके हैं और अब ये मेरे हेयर पे सबसे पहले क्रिम्पिंग करेंगे, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि इससे यार हेयर ना बहुत ख़राब होता है। लुक तो लेपर लुक होता है ना, फिर उसके बाद सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। हाँ, हेयर देखो यार कितना अच्छा हेयर बनाया। अगर ऐसे हेयर के लिए क्रिम्पिंग हो रही है तो यार हेयर करवा ही लेना अच्छा है। अगर फिर बेकार बने इससे तो अच्छा, इतना अच्छा हेयर बनेगा तो इतने अच्छे हेयर के लिए तो कोई भी क्रिम्पिंग करवाएगा। मेरा लंच आ चुका है और अब मैं इसे फिनिश करूँगी। अरे फेस क्यों छुपा रही हो तुम मानसी? ये प्यारी मानसी है। ये देखो मेरा कलीरा अच्छा लग रहा है। लहंगा भी बहुत अच्छा था, इन्होंने खुद ही चॉइस करी सारी चीज़ें, लहंगा भी, चूड़ा भी, ज्वेलरी भी। देख रहे हो आप कितना अच्छा अरेंज करा है इन्होंने। सभी लोगों ने खुद ही अपना अरेंज करा है, अपनी ब्राइडल के अपने आउटफिट्स वगैरह सब कुछ काफ़ी अच्छे से सब सारी चीज़ें यहाँ पे स्टूडेंट को अरेंज कराई जाती है। कम्प्लीट हो चुका है, शूट का वेट कर रहे हैं। ये मेरी फ्रेंड भव्या, मेरी प्यारी भव्या, मैं प्यारी हूँ। उसको मेरे को मिल जाएगा, वो मेरे को खाएगी। उसने भी क्या करा, ड्राई स्किन वाले लगा दिए। ब्राइडल लुक देखो आप कितना अच्छा लग रहा है मेरा। और पूरा लुक कंप्लीट के बाद ये और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। लाइट्स में तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो अभी शूट होने वाला है, देखते हैं कब शुरू होता है। अभी तो मे बी 25 नंबर चल रहा है और मेरा 29 नंबर है शूट का। तो फाइनली देख ही सकते हो मेरा शूट अब स्टार्ट हो चुका है और अब मैं अपने लुक के लिए देखो अब कैसे कैसे पोजेस करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने लुक को कैसे और अच्छे से दिखा सकती हूँ। शूट कंप्लीट हो चुका है तो अब मैं जा रही हूँ। शूट कंप्लीट हो चुका है और अब मैं मेकअप रिमूव करूँगी। शूट कंप्लीट हो चुका है और अब घर जा रहे हैं। तो मैं घर पे आ चुकी हूँ और आज का लुक आपने देखा ही होगा कि मेरा आज का लुक कैसा हुआ था। अब कमेंट्स में आप बताओगे कि आज का लुक आपको कैसा लगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।